रेशम कीट ऐसा जीव है जिससे रेशम बनता है। रेशम से बने कपड़े और अन्य वस्तुएं सबके मन को भाती है, परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर रेशम बनता कैसे है? कैसे रेशम कीट रेशम को? रेशम कीट केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहता है, और सबसे अनोखी बात यह है कि इतने ही समय में मैथुन करके प्रत्येक मादा कीट शहतूत की पत्तियों पर 300-400 अंडे का अंडारोपण कर देती है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट कैटरपिलर निकलता है, जिसका लगभग 30 से 40 दिन में सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा पहले लंबा होता है, फिर सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है। अब 3 दिन तक निरंतर अपने सिर को इधर उधर हिलाकर वो अपने चारों ओर अपने लार ग्रंथियों द्वारा श्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का घोल बनाता है, जिसे कोया या ककुन कहते हैं। वायु के संपर्क में आते हैं, यही धागा सूखकर रेशमी धागा बन जाता है, जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। कोए के बंद लार्वा अब एक प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। थैंक यू।